हे गाइस, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल में गार्डन फोटो फ्रेम एडिटर एप्लीकेशन कैसे यूज़ करते हैं। तो गाइस, इस एप्लीकेशन को आपको यूज़ करना नहीं आता है और इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है पूरी जानकारी इसकी मैं देने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका नाम और लोगो यहाँ पर आप देख सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। और इस तरह का इंटरफेस आने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट पर क्लिक कर दिया, फिर आपके सामने यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। ठीक है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया और इस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक बार कंटिन्यू पर क्लिक करना है। दो तीन बार कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है दो तरह के। यहाँ पर आपको एक तो ये वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, एक ये वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें से आपको यहाँ पर जिस तरह के फ्रेम वगैरह चाहिए उस फ्रेम को यहाँ से आप सेलेक्ट कर दीजिए। कैसे, हम दोनों ऑप्शन यूज़ करके आपको मैं बता देता हूँ। इस पर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आप इस तरह के बैकग्राउंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर जो भी बैकग्राउंड पसंद है उस बैकग्राउंड को यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। तो गाइस, मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे कि गाइस, मैंने ये बैकग्राउंड सेलेक्ट कर दिया है और सेलेक्ट करने के बाद आपके क्या करना है, आपके सामने एक ऐड आएगी, इस ऐड को यहाँ से क्लोज कर दिए। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर शूज़ फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक कर दिया। फिर आपको यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करना है तो आपके मोबाइल की गैलरी ओपन होगी और गैलरी में से आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है। तो गाइज, मैंने यहाँ पर फोटो सेलेक्ट कर दिया है और फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, और फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने फोटो को यहाँ से क्रॉप कर देना है। फिर आपको राइट बटन पर क्लिक करना है और राइट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, दो तरह के नीचे ऑप्शन मिलते हैं, ऑटो और मैनुअल। आपको ऑटो पर क्लिक करना है और ऑटो पर क्लिक करने के बाद आपका ये फ़ोटो ऑटोमेटिकली क्रॉप हो जाएगा। और क्रॉप होने के बाद आपको यहाँ पर तीर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह तीर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, फिर आपका यहाँ पर फोटो यहाँ पर आपको सेट करना है। जो आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया था अपने फ़ोटो को यहाँ से आप सेट कर सकते हो। इस तरह से फ़ोटो को सेट करने के बाद आपको यहाँ पर और भी बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड अच्छा आने लगे तो यहाँ पर बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारे बैकग्राउंड है जो देखने को मिलेंगे। इस तरह से आप बैकग्राउंड वगैरह यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर तीर वाले बटन पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको शेप का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ से आप शेप वगैरह दे सकते हो। इस तरह से आप शेप देना चाहते हो, कलर वगैरह यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए। फिर आपको कुछ लिखना है इस फोटो फ्रेम में तो कुछ लिख सकते हो, इरेज करना है तो कुछ इरेज भी कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर तीर वाले बटन पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर ये फोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गाइस, इस तरह से आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में यूज़ करके अच्छे अच्छे आप फ्रेम है जो क्रिएट कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।